नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंसी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको नोटों से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, यानी कि जो नोट नए अभी जारी हुए हैं, उनके संबंध में यहाँ पर प्रश्न बहुत पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों, हर नोट के पीछे एक ना एक नया चित्र अंकित किया गया है, तो उन चित्रों के संबंध में यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, 100 रुपये के नोट का पर किसका चित्र अंकित है। जो 100 रुपये का एक नोट नया नोट है दोस्तों, उस पर यहाँ पर किसका चित्र अंकित किया गया है। ऑप्शन ए है देखिए रानी की बाप, ऑप्शन बी सांची का स्तूप, ऑप्शन सी हप्पी, या ऑप्शन डी क्या है लाल किला। दोस्तों आपने 100 रुपये का नया नोट देखा होगा, उसमें जो पीछे तरफ चित्र अंकित होता है, वह कौन सा चित्र अंकित है। तो दोस्तों 100 रुपये के नोट में क्या रानी की बाप अंकित है, ठीक है, क्या है रानी की बाप अंकित है, जो कि 100 रुपये के पीछे पिछले हिस्से में अंकित किया गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है। 500 रुपये का जो नया नोट है, उसके पीछे जो चित्र अंकित है दोस्तों, भाई कौन सा है, मंगलयान, लाल किला, हप्पी या फिर सांची का स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, लाल किला। यानी कि 500 का नया नोट है, उसके जो पीछे चित्र अंकित किया गया है, भाई लाल किले का चित्र अंकित किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न है, 200 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है। ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी हप्पी, ऑप्शन सी है रानी की बाप, ऑप्शन डी है लाल किला। दोस्तों लाल किला 500 के नोट पर अंकित है, और रानी की बाप यह 100 रुपये के नोट पर अंकित है, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सांची का स्तूप, यानी कि 200 रुपये का जो नया नोट जारी किया गया है, उसके पिछले हिस्से में सांची का स्तूप का चित्र अंकित किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। दोस्तों 50 का नोट जो नया जारी किया गया है, उसके पीछे जो चित्र अंकित है, वह काय का है, हप्पी का, सांची स्तूप का तो नहीं है, क्योंकि सांची स्तूप अभी बताया कि 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप है। जो लाल किला काय के ऊपर, लाल किला बताया था हमें 500 रुपये के नोट के पीछे, और रानी की बाब यह 100 रुपये के नोट के पीछे अंकित है। तो दोस्तों 50 रुपये के अंक बचा कौन, हप्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि दोस्तों हप्पी का चित्र जो है, वह 50 रुपये के पिछले हिस्से में अंकित किया गया है। इसके बाद चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है। यानी दोस्तों जो भारतीय नोट होते हैं, 10, 20, 30 जितने भी होते हैं, 10, 20, 30, 40 का नहीं होता, 50, 100, 500, 200, 2000, इन नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित रहती हैं, या कितनी भाषाओं में लिखा होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है, भारत में जितने भी नोट हैं यहाँ पर, उनमें दोस्तों यहाँ पर लगभग 17 भाषाओं में लिखा होता है, ठीक है। कितनी, 17 भाषाओं का यूज किया गया है भारतीय करेंसी नोटों में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, छठवां प्रश्न क्या है देख लीजिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में जो रुपयों की स्थिति या पर बोल सकते हैं आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, करेंसी बनाना कहाँ, कम करना, रुपए कुछ भी जो यहाँ रुपयों से संबंधित जो कार्य करता है वह किसके की कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी शेयर बाजार। तो दोस्तों इसका मुद्रा जो आपूर्ति होती है, वित्त मंत्रालय का कोई काम नहीं होता, और भारतीय स्टेट बैंक का भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि यह भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक बैंक है। लेकिन दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक दोस्तों SBI है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में मुद्रा आपूर्ति द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा ही भारत में मुद्रा
आपूर्ति का नियंत्रण किया जाता है, और रिजर्व बैंक को शॉर्ट में आप आरबीआई भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि नोट में भी इसी का नाम लिखा रहता है। नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह एक ऑप्शन कोलकाता, बम्बई, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और दोस्तों बम्बई कहाँ? महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, 2000 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति अंकित है? या फिर 2000 के नोट पर किसकी आकृति अंकित रहती है? दोस्तों 2000 का जो नया नोट है उसके पीछे कौन सी आकृति यहाँ पर अंकित की गई है? देखिए ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी रानी बाप की बाप, ऑप्शन सी है लाल किला, ऑप्शन डी है सांची का स्तूप। तो इसका सही आंसर तो आप वैसे ही लगा दो, क्योंकि दोस्तों हम पहले बात कर चुके हैं रानी की बाप की, कि जो रानी की बाप है यह 100 रुपये के नोट के पीछे अंकित है, और सांची का स्तूप जो है यह दोस्तों 200 रुपये के नोट के पीछे अंकित है, और जो लाल किला है यह 500 रुपये के पीछे अंकित है। दोस्तों अब बचता है यहाँ पर मंगलयान, तो दोस्तों मंगलयान जो है वह 2000 रुपये के नोट के पीछे अंकित किया गया है, मंगलयान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मंगलयान हो जाएगा। इसके बाद चलते आगे बढ़ते देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत में जो मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों वर्तमान गवर्नर इसको बता दें ऑप्शन नंबर सी शशिकांत दास है, जो कि अभी यह नियुक्त किए गए हैं, शशिकांत दास। दोस्तों इनके पहले कौन? उर्जित पटेल जी थे। कौन थे? जो शशिकांत दास गवर्नर हैं वर्तमान में, इससे इनसे पहले जो थे यह उर्जित पटेल थे, और उर्जित पटेल ने जो कुछ निजी कारणों से यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, तो इनने कुछ अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि आप वर्तमान गवर्नर कौन है, या फिर शशिकांत दास के पहले कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने अपने समय रहते हुए इस्तीफा दे दिया? तो वह उर्जित पटेल जी हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर है, शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी है 1956। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 1969, सॉरी ये 68 है, 1969 इसका सही आंसर है। यहाँ 8 की जगह पर 9 है। यह दोस्तों क्या कब किया गया था? 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 19 जुलाई 1969 इसकी डेट बता दे रहा हूँ आपको, क्या है, 19 जुलाई 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि भारत में पहली बार यह राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो पहली बार कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और यह कब किया गया था? तो 1969 में यह राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1969 में यह राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों अब यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अपने यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न आपको हर दिन यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके, यानी कि हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके कि हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी और आप हर वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो दोस्तों वो इस यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।